and everybody smile. Come on! Got it. Okay. So, I guess you guys are familiar with this case. Into mobile. Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to a new vlog. अभी गुवाहाटी में ठंड पड़ गया है ऑलमोस्ट. आई मीन स्टार्ट हो चुका है. ऐसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा नोज भी थोड़ा सा ब्लॉक्ड हो गया. एंड जो लोग असम के बाहर से, आई मीन नॉर्थ ईस्ट के बाहर से, तो अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल मैक्स इट्स द वेदर इज गुड. आई मीन टूरिस्ट के लिए परफेक्ट है ये टाइम. ठंड होता है टूरिस्ट के लिए, फॉर टूरिस्ट इट्स लाइक अ परफेक्ट टाइम. तो आप लोग आ सकते हो इफ यू आर प्लानिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट. फिलहाल अभी तो फ्रेश होके अपना ब्रेकफास्ट लेके फिर चलूँगा जामबा क्लिनिक. ब्रेकफास्ट में आज कल रात को जो मैंने स्पैगेटी लिया था वही सेम रिपीट, आई विल रिपीट. ब्रेकफास्ट खा के क्लिनिक चलते हैं आज. ब्रेकफास्ट तो फर्क्यूलिस भाई साहब. जाम देखिए आज गुवाहाटी का जाम कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं. आई गेस यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस केस. मैंने पहले अपने वीडियो में भी दिखाया था मिस्टर किशन का ये केस. तो इसमें ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ मल्टीपल स्पेसिंग, ठीक है, इन द एंटीरियर टीथ. सामने के जो दांत थे बहुत ज़्यादा स्पेस थे. एंड इनका केस में क्या है, मुँह खोलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक भी दांत नहीं है पीछे, ठीक है. नीचे तो पूरा एकदम एंड तक है, ठीक है, जो आठवां दांत है वो भी है, लेकिन ऊपर में यहाँ पे एक भी दांत नहीं है, ठीक है. तो इस केस में अलोंग विद द कॉस्मेटिक्स वी हैव टू मेक श्योर दैट द बाइट इज ऑल्सो, मतलब टोटली फाइन. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वेन एवर इट मेक्स ए बाइट, बाइट कीजिए आप, तो जो पीछे का दांत है आठवां दांत वो जाके ऊपर मसूड़े में लगते हैं, ठीक है. तो बाइट नीड्स टू बी एडजस्टेड अलोंग विद द स्माइल, ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ केसेस आर ए बिट चैलेंजिंग फॉर अस, बट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोसीजर इज बीन डन टूडे. डॉक्टर निपन ने स्टार्टेड एंड नाउ वी आर जस्ट गिविंग द फाइनल टच ऑफ द केस. एंड बाइट का भी एक अच्छे से डिजाइन बनाएंगे हम लोग. एंड उसके बाद आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विल कम अप विद द फर्दर प्रोसीजर. एंड जो फाइनल आउटकम होगा वो आप लोगों को जो कल या परसों जब भी होगा हम लोग आप सभी को दिखाएंगे द फाइनल आउटकम. एंड अनिल साहब तो है ही हम लोग को. नमस्ते बोल लीजिए आपको. नमस्ते. तो अभी निकलते हैं घर, डन विद पेशेंट्स. अभी चलते हैं घर, भूख लग रहा है. और आज प्लान है कि आज लेग्स का वर्कआउट करेंगे. कल जैसे मैंने बताया था, कल एक्चुअली था लेग्स का वर्कआउट, नहीं किया लेग्स का वर्कआउट, तो आज विल डू लेग्स. अभी चलते हैं घर, फिर खाना खाएंगे अच्छे से. प्रॉब्लम यही होता है, टाइम में नहीं होता है कुछ भी खाना वाना. और मोर ओवर जो ये इंजरी है ठीक हो ही नहीं रहा है अच्छे से, तो होपफुली जल्दी से ठीक हो जाए. दिमाग खराब होता है, कभी भी लगता है ठीक हो गया है, कभी कभी लगता है नहीं हुआ है. वेरी कंफ्यूज. ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, अभी लंच किया ही नहीं. अभी घर जाके खाऊंगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके जाऊंगा जिम. आज तो लेग्स करना है, लेकिन सुबह से डाइट का तो एकदम कचरा हो चुका है, अच्छे से खाया ही नहीं. अभी फिलहाल चलते हैं घर, विल डिसाइड खाने के बाद कि लेग्स करेंगे कि नहीं आज. देखिए आजकल वर्कआउट का ये सीन चल रहा है. होगा होगा, लेकिन सब ठीक होगा. जाम देखिए ना यार. अभी जा रहा है जिम. जाम देखिए, जाम सुबह जाम दिखाया आप लोगों को, दोपहर को दिखाया, अभी इवनिंग का भी. कैमरामैन
जाम दिखा दीजिए। देखिए जाम देखिए गुवाहाटी का। और अभी आज करेंगे लेग्स का वर्कआउट। फुल पावर तो नहीं है लेकिन फिर भी आज खींच के करेंगे लेग्स वर्कआउट। और आज प्लान बन गया लेग्स के वर्कआउट के बाद डिनर करेंगे घर आके डिनर करेंगे। फिर डिनर करने के बाद जाएंगे आज मूवी देखने। मूवी कौन सा देखेंगे मुझे खुद भी नहीं पता। जिम के दोस्तों ने टिकट्स बुक कर दिया, बोला कि अच्छा मूवी है। तो नाम तो मुझे पता नहीं, आई एग्री टू गो, लेकिन बाहर नहीं खाऊंगा, खा रहा हूँगा घर में डिनर करके। फिर जाएंगे रात को, रात का मतलब टाइमिंग में मूवी है आई गेस 9:30 बजे। तो अभी चलते हैं जिम, जिम में मिलते हैं आप सभी को। खत्म। और आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा दीजिए, पूरा खाली है खाली। तो अभी फटाक से हम लोग जाएंगे घर, चलते हैं घर हम लोग। उसके बाद खाना खा के तुरंत निकल जाएंगे हम लोग मूवी देखने के लिए। मूवी का नाम अभी तक पता नहीं चला है, सस्पेंस है ये, सस्पेंस। तो PVR में देखेंगे, वहां जाके पता चलेगा मूवी कौन सा है। क्योंकि जब तक मैं जिम के अंदर घुस गया था, जितने भी दोस्त थे वो लोग चले गए वर्कआउट करके। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अभी सिटी सेंटर, जस्ट पार्क माई कार। अभी चलते हैं ऊपर, अभी तक मुझे पता नहीं है कौन सा मूवी है, ऊपर चल के देखते हैं। और खाना इतना जल्दी से खाया ना, 5 मिनट के अंदर खाना खा लिया, नहा भी लिया। अभी चलते हैं अंदर। और हम लोग देख रहे हैं ये मूवी ऊंचाई, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर। डेफिनेटली ये मूवी अच्छा ही होगा, गुड चॉइस ब्रोज। मूवी शुरू हुआ नहीं है, पूरा अच्छा एकदम पूरा टाइम पे पहुंच गया। ट्रेलर शुरू होगा, ट्रेलर्स ट्रेलर्स। चलिए सीट पे बैठ लेते हैं। अभी इंटरवल टाइम, मजा आ गया मूवी देख के। ए मस्ट वॉच, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट। मूवी आ गया यार, स्क्रीन खराब था। ये है मूवी, देखिए ऊंचाई, मस्ट वॉच। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इट्स लाइक अ फील गुड मूवी काइंड ऑफ होता है ना, वैसे टाइप का मूवी है, लाइक लाइफ लेसन्स काइंड ऑफ थिंग। बहुत अच्छा लगा देख के, इंटरवल तक अभी तक देख लिया, बहुत अच्छा लगा। आज खाने के लिए कुछ नहीं लिया, जस्ट एक रेडबुल। और यहाँ पे काउंटर में जो रहते हैं देनोमी, तो उन्होंने जस्ट गिफ्ट दे दिया मुझे। उन लोग को पता है कि मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम में जाता हूँ, तो डार्क कॉफ़ी मुझे गिफ्ट में दे दिया, तो थैंक यू PVR। अभी फिलहाल चलते हैं, मूवी स्टार्ट हो जाएगा अंदर। मूवी के एंड में बताता हूँ कैसा लगा मूवी। तो मूवी हो चुका है खत्म एंड इट्स 1 AM, बहुत लेट हो चुका है। अभी चलते हैं घर, वीडियो का एंडिंग घर में ही करते हैं, अच्छे से वीडियो का एंडिंग करते हैं। चलिए तो फिर अभी चलते हैं घर, बहुत लेट हो गया यार आज। सब लोग चले गए, हम भी चलते हैं घर। If I had to rate the movie, I'll definitely give it a 10 out of 10 for sure. What an amazing movie, मज़ा आ गया देख के। And पूरा मूवी में there are many small messages for
पीपल ऑफ आर एज, इवन फॉर आवर पेरेंट्स, बहुत ही प्यारा मूवी अगर मैं बोलूँगा. वेरी नाइस, वेरी हार्ट वार्मिंग, वेरी सोलफुल. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड वॉच इट. ऊँचाई एक्चुअली ऐसे मूवीज को प्रमोट करना चाहिए. इट्स लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट बॉलीवुड और समथिंग, बट जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज होते हैं आजकल, एक्शन या रोमांस एंड ऑल समथिंग, दिस काइंड ऑफ मूवीज आर लिटिल बिट ऑफ बिट, राइट? थोड़ा सा अलग सा है मतलब. एंड डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर कि यू गाइज विल बी एबल टू कनेक्ट सम पार्ट ऑफ द मूवी विथ योर लाइफ लाइफ एज वेल. क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ चीज़ यू नो आई मतलब जब जैसे मैं मूवी देख रहा था, मैंने भी कुछ कुछ पार्ट में अपना लाइफ का यू नो एक होता है ना, यू कैन फील इट अपने लाइफ के साथ भी. तो बहुत ही अच्छा मूवी है. यू आई डेफिनेटली रिकमेंड यू पीपल टू वॉच द मूवी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. यहाँ तक अगर यहाँ तक देख लिया आपने तो हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज, अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. कल मिलते हैं.